जब आप लोग को भी मौका मिलेगा बड़े से बड़े पोस्ट पर जाइए, पढ़ाई लिखाई जी जान से करिए और एक दिन दिखा दीजिए इस समाज को कि दुनिया आपको देखती रह जाए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना चाहती है। आपकी किस्मत आपको जरूर एक मौका देगी, लेकिन मेहनत कीजिए क्योंकि आपकी मेहनत इस दुनिया को चौंका देगी। स्टूडेंट्स को कहते हैं आप ये मत सोचिए कि एक महीने में क्या होगा, एक साल में क्या होगा, आप ये सोचिए कि अभी जो 24 घंटा आपके पास इसमें आप क्या कर सकते हैं इस 24 घंटे के अंदर, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है। करियर से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ा चीज अगर आप गट से आपके अंदर क्षमता बोलने की तो बोल सकते हैं, दिन भर फोन करके मत डिस्टर्ब किया कर, करियर खराब हो जाएगा, जिंदगी भर पालेगा हमको नहीं ना, गट से ये बोलने का नहीं नहीं है तो चुपचाप मीठा जहर के तौर पे करियर बर्बाद किया। समय बर्बाद करना मतलब अमृत से पैर धोना होता है, समझ गए कि नहीं? 75 आएंगे 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही देगा जिसे पापा खोज के लाएंगे। जीवन में संस्कार का भी बहुत बड़ा मोल होता है, आप अपने विचारों से स्वतंत्र रहिए लेकिन संस्कारों से बंधे रहिए, कभी भी अहंकार मत रखिए क्योंकि आप कितनी भी बुलंदी पर क्यों न चले जाएं, लेकिन याद रखिएगा आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है, जो भी बुलंदी पर जाएगा उसको एक न एक दिन आज नहीं तो कल उसको वापस इस धरती पर आना है, इसलिए बुलंदी को देखकर बहुत जल्दी घमंड में नहीं आना चाहिए और हमेशा याद रखिए बड़े बुजुर्गों से मिलकर बैठना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए, बड़े नायाब होते हैं ये लोग, कुछ लम्हों में जिंदगी के तजुर्बे बता देते। कोई जानता था कि बस में टिकट काटने वाला व्यक्ति रजनीकांत बनेगा, वेटर की नौकरी करने वाला अक्षय कुमार बनेगा? कोई नहीं जानता था ना, जिसको खाने को पैसा नहीं था जिस व्यक्ति को आज वो अदानी कंपनी का मालिक है, जो साइकिल रिपेयरिंग का काम करता था कभी पैना सोनी की कंपनी खड़ा कर दिया, टांगा चलाने वाला आज MDH कंपनी खड़ा कर दिया। तो लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं चाहिए, धनुष अगर कितना भी अगर पीछे जा रहा है तो मतलब समझिए तीर को बहुत आगे ले जाने पड़ते हैं।